पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल 27 जनवरी को पहुंचे छिंदवाड़ा, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, पत्रकारों से भी हुए रूबरू। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व पुलिस ने लवानगोड़ी ग्राम के एक मकान पर मारा छापा, गाय काटने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए विवादित नारों पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध की कार्यवाही की मांग। और नुनारिया मेहरा समाज विकास समिति ने आयोजित किया युवक युवती परिचय सम्मेलन, बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 27 जनवरी को छिंदवाड़ा पहुंचे, यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की, वहीं पत्रकारों से भी रूबरू हुए। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा भाजपा कार्यालय में लोकसभा की क्लस्टर बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को आवश्यक मार्गदर्शन देते हुए चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इसके उपरांत भाजपा कार्यालय में ही कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मीडिया से भी रूबरू हुए। बैठकों का हमारा सिलसिला है, मतदाता सूचियां व्यवस्थित बने, नव मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही जो भी गरीब कल्याण की मोदी जी की योजनाएं हैं वो आम घर तक पहुंची हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा ने उसको और संबल दिया है। मोदी जी की सरकार के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, पहला है पारदर्शी प्रशासन, जिसने आप सबको भी बहुत रिलीफ दिया है और जो बीच में लोग ले लेते थे वो तमाम चीज़ें आज आम जरूरतमंद को सीधे पहुंच रही हैं। और दूसरा है कि सरकार पहली बार गांव में वापस गई कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ जिसको नहीं मिला उन तमाम लोगों को एक बार फिर से पंजीबद्ध किया जाए, यदि कोई पात्र है तो उसे तत्काल उसी दिन उसका लाभ मिला है। ये ऐतिहासिक फैसला है और जो लोग पात्र नहीं हैं, सीमा के भीतर नहीं आए, उनके आवेदनों को बाकायदा लिया गया है, उनको सूचीबद्ध किया गया है। और यदि कोई त्रुटियां रह गई हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आयुष्मान कार्ड वो 2011 के सेंसस के आधार पर मिलता है और 2021 का सेंसस अभी सामने नहीं आया, तो उस कारण से अगर वो गतिरोध है तो उनको बाकायदा बताया जाता है लेकिन उनका आवेदन लिया जाता है। इसलिए नीति के तहत जिनको लाभ मिलना है उन जरूरतमंदों को लाभ मिल जाए और जो शेष बचे हैं उनके बारे में योजना बने। चौरी थाना अंतर्गत हसनपुर क्षेत्र के लवानगोड़ी ग्राम में एक गाय काटने का मामला सामने आया है, जिस पर हिंदू संगठनों के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही की गई। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि गांव के इस मकान में लंबे समय से गाय काटने का काम हो रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर हम सब ने गाय काटते हुए 4-5 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें से 4 आरोपी भाग गए और एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है तथा उस स्थल पर JCB से घर को ध्वस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है। सुबह करीब 7:30 या 8 बजे की बात है, जो कार्यकर्ता द्वारा हमको फ़ोन आया कि एक घर में जो शनि मंदिर के सामने कॉलेज बना है, कॉलेज के पीछे एक घर है, वहाँ पे एक गाय को काटकर पीस बनाए जा रहे हैं गाय के। तो उसके बाद मौके पे हम लोग पहुँचे तो उसके बाद देखा कि 4-5 लोग थे, वो लोग जिसमें से एक को हमने तुरंत पकड़ लिए जगह पे और बाकी लोग भाग गए उसमें। उसके बाद हमने प्रशासन को बुलवाया और प्रशासन आया, वो कार्रवाई करने के लिए बोला हमने उन्होंने, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया हमको।
ये सुबह चौराहे के पास में लवानगुड़ी के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर कोई गौकशी का मामला है, जिस पर तत्काल सूचना पर थाना प्रभारी और टीम मौके पर पहुँची थी। यहाँ पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें वहाँ पर जब्ती की अन्य कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें एक नाम सामने आया था समीम खां, जो मूल रूप से सिवनी का रहने वाला बता रहे हैं, पर पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहा है। उसको हिरासत में लिया गया है, आगे भी कार्रवाई की जा रही है, जो आगे उसको जो भी वैधानिक कार्रवाई वो करेंगे। और कुछ और भी नाम ऐसे बता रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो भी आएंगे उनके उनको शीघ्र पकड़ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आज सिटी कोतवाली पहुंचकर 26 जनवरी के दिन स्कूली बच्चों द्वारा रैली के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए जाने की शिकायत की तथा स्कूल प्रबंधन पर शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपते हुए अंजुमन सदर रूमी पटेल ने कहा कि हमारा छिंदवाड़ा अमन और चैन का शहर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम हम सब भाई हैं और आपसी भाईचारा के साथ रहते हैं, मगर 26 जनवरी के दिन स्कूल के बच्चों ने गुलाबरा मोती मस्जिद के सामने जो विवादित नारे लगाए उससे मुस्लिम समुदाय काफी आहत हुआ है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने स्कूल स्टाफ और टीचरों के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग की। कोतवाली TI उमेश कोल्हानी ने मुस्लिम समाज की शिकायत सुनने के बाद अगले 2-3 दिन में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये आवेदन माननीय TI साहब कोल्हानी जी सिटी कोतवाली को दिया जा रहा है एवं इस आग्रह के माध्यम से अंजुमन कमेटी मांग करती है कि ऐसे शांति भंग करने वाले नारे लगाने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध एवं जो भी शिक्षक इन नारों को लगवाने में शामिल है इनके विरुद्ध शीघ्र अतिशीघ्र जांच करके उन पर सख्त धाराओं में FIR दर्ज करने की मेहरबानी करें ताकि शहर का अमनोमान कायम रहे। यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो फिर प्रशासन से अनुमति लेकर अंजुमन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। जो विद्यार्थी द्वारा जो गलत नारे लगाए गए उन उन बच्चों पे और टीचर जो उसमें शामिल थे रैली का संचालन करने वाले टीचर को उन सब पे कानून के तहत FIR दर्ज हो, इसको लेके आज ज्ञापन अंजुमन कमेटी की तरफ से हमने हमारे वरिष्ठ राजीव भाई आजी लाल साहब हमने मिलकर ज्ञापन अभी TI को आपको दिया है। उन्होंने सोमवार तक का वक्त मांगा है, जांच करके सोमवार तक FIR दर्ज करेंगे, इसकी रिसिप्ट भी उन्होंने दिया है और हमने ज्ञापन में कह भी दिया है कि सोमवार तक का वक्त है, अगर सोमवार तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं किए तो प्रशासन से धरने की अनुमति लेके फिर हम शांतिपूर्ण धरना करेंगे और धरना प्रदर्शन इंशाल्लाह अपन लोग तब तक करेंगे जब तक FIR दर्ज नहीं होगी। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ, एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नुनारिया मेहरा समाज विकास समिति के द्वारा आज स्थानीय चित्रांश भवन में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्यों ने शिरकत की। अंगना सजाओ, इसी के साथ मैं
जिस भी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है, अगर वह यहाँ मंच से जाए तो मंच के राइट साइड आ जाए। कार्यक्रम के बेला में हमें आगे युवक युवती परिचय सम्मेलन की करवाना है। समय अपने को ध्यान में रखते हुए अगर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाम लिखवाया है तो वह मंच के राइट साइड आ जाइए, अपना डिवाइस लेते जिसमें भी उन्होंने सॉन्ग या गीत लाया है। आज 28/1/2024 दिन रविवार को नुनारिया मेहरा समाज विकास समिति द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महिलाओं द्वारा भाषण अति उत्तम कार्य हमारा इस चित्रांत भवन में किया गया है। आज नुनारिया मेरा विकास समिति छिंदवाड़ा के द्वारा सामाजिक मिलन कार्यक्रम एवं युवक युवती कार्यक्रम परिचय सम्मेलन चित्रांश भवन में आयोजित किया गया है। बच्चों के साथ इस बीच में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलाओं के कार्यक्रम, पुरुषों के कार्यक्रम के साथ साथ में युवक एवं युवती के परिचय का कार्यक्रम हमने इस आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज माह के अंतिम रविवार पर शहीद स्मारक पर झंडा वंदन किया गया, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले, हेमंत सिंह राजपूत, बलराम चौहान, रमेश पेले, डॉक्टर शवाना यास्मीन खान, सीमा शुक्ला, शेषराव उइके सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जो 1929 में महात्मा गांधी जी के द्वारा परंपरा प्रारंभ की गई थी कि झंडा वंदन कर देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जिन शहीदों ने अपने प्राणों को निछावर किया, उन शहीदों को याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल पिछले 100 सालों से करते चली आ रही है। उसी कड़ी में शहीद स्मारक पर आज कांग्रेस सेवा दल के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा सेवा दल पुरुष, सेवा दल महिला, यंग ब्रिगेड और हमारे तमाम पदाधिकारियों के माध्यम से हमारे कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ साथी भाई हेमंत सिंह राजपूत जी की मुख्यतिथि में झंडा वंदन किया गया। और झंडा वंदन का मुख्य उद्देश्य है कि शहीदों को याद करना, उन्हें नमन करना, उन्हें याद करने का काम हम करते हैं। साथ ही साथ में स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लाला लाजपत राय जी की भी आज पुण्यतिथि है, उनको भी याद करने का काम कांग्रेस सेवा दल यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर आए तमाम साथियों का कांग्रेस सेवा दल धन्यवाद देती है कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना सहयोग किया। आप सबसे निवेदन है कि 30 तारीख को पुनः महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, हम सब 2 बजे इकट्ठा होकर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मार्च पास करते हुए हवारा चौक पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर सेवा दल के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुन्नारदेव के ग्राम उमरिया के रहने वाले नितिन आम्रवंशी अयोध्या की पैदल यात्रा करने के बाद आज छिंदवाड़ा लौटे, जिनका राष्ट्रीय हिंदू सेना सहित अन्य संगठनों ने जोरदार स्वागत किया।
मेरा नाम नितिन अमरवंशी है और मैं जिन्नारदो के ग्राम उमरिया फदाली से हूँ। मैंने 2 जनवरी को अयोध्या पदयात्रा प्रारंभ की थी, जो 19 जनवरी को मैं अयोध्या पहुँच गया था और वहाँ मैंने कार सेवापुरम में सेवा भी की और मुझे 23 जनवरी को श्री राम जी के जो इस 500 वर्ष के बाद जो वो विराजमान हो रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल का मुझे साक्षी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और मैं विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू सेना, श्री राम सेना, मुख्य रूप से अपने यमन भैया, अमित भैया और तमाम सभी हिंदू संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ कि 17 दिनों के बाद हमारे भाई नितिन अमरवंशी जी द्वारा पैदल यात्रा की गई। 17 दिनों तक उन्हें हिंदू संगठनों के माध्यम से जगह जगह स्वागत किया गया, सत्कार किया गया एवं छिंदवाड़ा को ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, छिंदवाड़ा जिले का नाम गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया जो पूरे भारत में गूंज रहा है, जिन्होंने 17 दिन में अपनी पद यात्रा को सफल किया और प्रभु श्री राम के दर्शन किए। हम सभी ने मनोकामना की थी कि उनकी पद यात्रा में कोई दिक्कत, किसी के प्रकार की परेशानी ना आए। आज पद यात्रा से वापस लौटे राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा व बजरंग दल के द्वारा सभी संगठनों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। खबरों में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मकर संक्रांति के बाद से मातृ शक्तियों के द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अखिल भारतीय रजक महासंघ महिला मंडल द्वारा हल्दी कुमकुम और बच्चों की लूट का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रजक समाज की महिलाओं ने संत गाड़ के महाराज मंदिर तिलक मार्केट में एकत्रित होकर हल्दी कुमकुम और भजन का कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय रजक महासंघ महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रमिला रजक, जिला अध्यक्ष श्रीमती बीना निर्मलकर, उपाध्यक्ष पूजा रजक, गुंजन मालवी सहित महिला मंडल की समस्त सदस्य उपस्थित रही। पुलिस लाइन के पीछे स्थित 11 मुखी हनुमान मंदिर में इन दिनों विश्व शांति के उद्देश्य से महामृत्युंजय यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जारी है। श्रीमद् भागवत कथा एवं महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन 23 जनवरी से 29 जनवरी तक किया गया है, जिसके अंतर्गत वृंदावन से पधारे पीयूष जी महाराज द्वारा कथा स्थल पर रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गयी, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत का समापन 29 जनवरी को हवन अनुष्ठान व भंडारे के साथ किया जाएगा। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो दिव्य अपनी बांसुरी को बजाना प्रारंभ किया और ऐसी बांसुरी बजाई, महाराज यमुना जी अगर बह रही है
तो यमुना जी का जल भी स्थिर हो गया। वृक्ष अगर हवा चल रही है तो जिधर अगर हवा के माध्यम से वृक्ष झुके तो उधर ही झुक जाए। एक बार बंसी बजी तो पूरा त्रिभुवन पूरा ब्रह्मांड मोहित हो गया। और अब की बार जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो महाराज जिनको ये बांसुरी सुनना था उन्हीं की यह बांसुरी सुनी। अब जब बांसुरी बजी तो सिर्फ जो गोपियां थी ये गोपियों को बंसी की तान सुनाई थी। और जब बंसी की तान सुनाई थी तो सारी गोपियां सुदबुद्ध हो गई। और महाराज सुदबुद्ध होकर के भगवान के पास प्रिय प्रियतम के मध्य में जो घूंघट होता है वो घूंघट आड़ होता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो घूंघट है वह और कुछ नहीं माया है। जब तक कि यह माया से दूर नहीं हटोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बड़े भाव से सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज कथा कि महाराज जब भगवान ने बांसुरी का नाद किया 23 जनवरी से 29 जनवरी हर साल यहाँ प्रतिवर्ष ये महामृत्युंजय विश्व शांति हेतु महामृत्युंजय यज्ञ और भागवत का आयोजन रखा जाता है, जिसका आज छठवां दिवस है। रुक्मणी विवाह है और कल सुदामा चरित्र रहेगा और विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा। 11 मुखी हनुमान मंदिर में देव कुमार शास्त्री जी के द्वारा यह कार्यक्रम हर साल किया जाता है। श्री षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत आज पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा बताई गई, जिसे सुनकर श्रद्धालु भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। लाने पर महादेव प्रकट हो गए। बाबा ने कहा बताओ बाणासुर क्या काम था जो मुझे बुलाया। बाणासुर कहने लगा भगवान आपने मुझे इतना बलशाली बना दिया है, 1000 हाथ दे दिया है, बड़े भार स्वरूप लग रहे हैं, कोई लड़ने वाला भी नहीं है हमसे। भगवान ने कहा अच्छी बात है। नहीं नहीं अच्छी बात नहीं, जब तक दो दो बात ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए मजा नहीं आता। तो बोले क्या करें, भगवान आप ही हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा मूर्ख चुप कर, अब तुझे अभिमान हो गया है, करेंसी रुपया ही चलने वाला है, बैकुंठ में भगवान नाम का धन चलने वाला है, और वहाँ के लिए कुछ इंतजाम कर ले दुनिया से जाने वाले, 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 दुनिया से जाने वाले, इस जग से जाने वाले, श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा प्रति शनिवार को लोगों के बुलावे पर निशुल्क संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया जाता है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा इस शनिवार को मोती नगर परासिया रोड छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया।
समीपस्थ ग्राम सारना में इन दिनों शिव महापुराण का आयोजन जारी है, जहां दतिया से पधारे महाराज श्री के द्वारा शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। सारना की महारानी समिति के द्वारा ग्राम में शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित होकर शिव महापुराण सुनकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जाता है शास्त्र के अनुसार जहां सुमति जहां संपत नाना, जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में जहां एकता रहती है वहां सब अनेकता रहती है, सब संपत्ति दौड़ी आती है, और जहां कुमति रहती है वहां विपत्तियां आती जाती रहती हैं। तो श्रीमद् शिव पुराण के माध्यम से केवल यही संदेश देना चाहते हैं लोगों के बीच में कि मेरे भाइयों, ये जीवन हमें मिला है, ये बड़ा अनमोल जीवन है, और ये जीवन से ही हम सबको मिलकर के ही संदेश, सब मिलकर के रहें, भाई भाई में एकता रहे, सबको मिलकर के रहे, यही संदेश है। और क्या है श्रीमद्, हमारे यहाँ पिपलेश्वर धाम शिव दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के साथ शिव महापुराण का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे परम पूज्य पंडित जी सनत कुमार शास्त्री दतिया वाले पीताम्बरा नगरी से आकर यहाँ शिव महापुराण का रसोत्पादन कर रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, जिलावासियों से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ शिव महापुराण में आकर पुण्य लाभ अर्जित करें। हमारे साथ यहाँ पूरा गांव और सभी समिति के लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। आइए अंत में समेटते हैं इन तमाम खबरों को एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियाँ। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल 27 जनवरी को पहुंचे छिंदवाड़ा, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, पत्रकारों से भी हुए रूबरू। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व पुलिस ने लवानगोड़ी ग्राम के एक मकान पर मारा छापा, गाय काटने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए विवादित नारों पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध की कार्यवाही की मांग। और नुनारिया मेहरा समाज विकास समिति ने आयोजित किया युवक युवती परिचय सम्मेलन, बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।